नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया गोल्ड प्राइस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सोने चांदी के ताज़ा दाम सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप भी सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आने वाले दिनों में सोने में क्या कुछ गिरावट रहेगी और कब तक सोने में खरीदारी करना सही रहेगा, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। आप जानते हैं देश में त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है और त्योहारी सीज़न में सोने की कीमतों में हमेशा जो है यहाँ पे तेज़ी देखी जाती है। लेकिन अभी बात करेंगे सोने की कीमतों की। 7 अक्टूबर कमज़ोर वैश्विक मांग के बीच स्थानीय बाजार में जो है सोने की कीमतों में 300 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली थी। अभी बात करें अगर सोने की कीमतों की तो आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में जो है तेज़ी के आसार देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए जो है यहाँ पर 15 अक्टूबर से पहले पहले का समय बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि उसके बाद जो है सोने की कीमतों में काफ़ी तेज़ी आने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। 2000 रुपये तक की कीमतें जो है त्योहारी सीजन में बढ़ सकती है, लेकिन उसके बाद फिर से सोने में गिरावट आएगी। तो अगर आपको जो है त्योहारी सीजन में सोने की खरीदारी करनी है तो आप अगर अभी खरीदारी करना चाहें तो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आज के भाव की बात करें तो 22 कैरेट सोना 44,000 रुपये से लेकर के 46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पे अभी देश भर में चल रहा है। और दोस्तों त्योहारी सीजन में सोने की कीमतों में तेजी आने के आसार है, लेकिन जैसे त्योहारी सीजन पूरा होगा उसके बाद में फिर से सोने की कीमतों में गिरावट आ सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा नया नियम भी लागू किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है सोने में खरीदारी करना आपके लिए कब तक सही रहेगा, आप कमेंट करके बताइएगा। और त्योहारी सीजन में सोने की कीमतों में 1,000 से लेकर के 2,000 रुपये तक की तेजी आ सकती है।